थ्रू आउट uh, uh, चलते रहते हैं ये एग्जाम बेसिकली फॉर टेकिंग एडमिशन इन टू द एम फॉर्म होता है एम फॉर्म जो कि एक बी uh, फॉर्म के बाद किया जाने वाले कोर्स है ये बहुत ही स्पेसिफिक uh, स्पेशलाइजेशन होते हैं जिस तरीके से एम के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए हमें एक पीजी जी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जैसे एमबीए करने के लिए हमें एग्जाम्स देने पड़ते हैं जैसे इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो बीटेक या बीई -E करने के बाद एमटेक करने के लिए जो एग्जाम देते हैं वो सारी एग्जाम्स हमें यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हम इनका डिस्कशन कर रहे हैं जो बी फॉर्म ग्रेजुएट्स एम फॉर्म में आने के लिए जिस एग्जाम को देते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये एग्जाम जो जीपेट कहलाता है ये कंपलसरी है फॉर अपियर इन द नाइपर जेई नाइपर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि साथ हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है अगर आप उसके एग्जाम भी देना चाहते हैं तो आपको जीपेट क्वालिफाइड होना चाहिए अगर आपने जीपेट नहीं दिया है अगर आप जीपेट क्वालिफाइड नहीं हैं, तो आप नाइपर की एग्जाम भी नहीं दे सकते नाइपर एक नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है जो फार्मेसी में सात नाइपर हमारे इंडिया में है जीपैट की हिस्ट्री बहुत अलग अलग है लेकिन अभी हम केवल और केवल बात करेंगे हमारे जीपैट ट्वेंटी वन के बारे में जो एन टी ए कंडक्ट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कंडक्ट करवाती है एलिजिबिलिटी कौन ये एग्जाम दे सकता है सी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फार्मेसी में ग्रेजुएशन कर रखा है सर क्या डिप्लोमा वाले दे सकते हैं नहीं नहीं दे सकते, सकते हैं हाँ जी बिल्कुल क्योंकि वो ग्रेजुएट कर चुके हैं फार्मेसी में ओनली ये एग्जाम केवल फार्मेसी के लिए होती है कोई केमिकल इंजीनियरिंग किसी भी बी एस सी वाला स्टूडेंट इसको नहीं दे सकता ये केवल और केवल फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए होती है या फिर दूसरी चीज इसके अंदर आप फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हो तो आप इसे दे सकते हैं जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में होते हैं वो इस एग्जाम के लिए मोस्टली अप्लाई करते हैं ताकि उन्हें एम फॉर्म में बिना किसी गैप के बिना किसी ड्रॉप के अच्छे से एडमिशन मिल सके सर कौन से इंस्टीट्यूट अभी दो मिनट से उसके बारे में बात करेंगे लेकिन एक क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर हम थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में क्या हम जीप दे सकते हैं देखिए ऑफिशियली तो जो एन कहता है उसके अकॉर्डिंग तो हमें ये एग्जाम फाइनल ईयर में ही देनी चाहिए कुछ स्टूडेंट जरूर थर्ड ईयर में देने के बाद क्वालिफाई कर जाते हैं थर्ड ईयर में अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं दैट मीनस यू आर इन अ गुड पाथ आप काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं जब भी आप थर्ड ईयर में जीपेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में लेकिन अगर आपने ये एग्जाम जब क्वालिफाई कर भी लिया है तो भी आप इस एग्जाम के थ्रू मिलने वाले एडवांटेजेस को नहीं गेन कर सकते सर कौन से तरीके के एडवांटेजेस होते हैं इसमें इसमें एडवांटेजेस होते हैं हमारे जब हम हमारे जी पैट के बेसिस पे स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं तो थर्ड ईयर में अप्लाई किया हुआ स्कॉलरशिप या थर्ड ईयर में क्वालिफाई किया हुआ जी पैट हमें स्कॉलरशिप नहीं दिलवा सकता इसके लिए हमें फाइनल ईयर में ही जीपैट को क्रैक करना पड़ेगा तभी हम एम फार्मा में जो भी हमारे को स्टाइपेंड मिलता है सर स्टाइपन क्या होता है दो मिनट से बताऊंगा लेकिन जो हमें वहां पे स्कॉलरशिप मिलनी है स्टाइपेंड मिलना है उसका यूज केवल तभी होगा जब हम उसे फाइनल ईयर में क्रैक करेंगे थर्ड ईयर में उसको क्रैक करने के बाद हमें कोई एडवांटेज एसच नहीं मिलता हाँ ये जरूर है कि नॉलेज थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है हम, हमें पता चल जाता है कि हम किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं आफ्टर एलिजिबिलिटी कमिंग ऑन टू द क्वालीफायर्स को क्या बेनिफिट होता है सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है स्टाइपेंड मिलता है स्टाइपेंड सर स्टाइपेंड क्या होता है स्टाइपेंड एक ऐसा अमाउंट जो हमें गवर्नमेंट पढ़ाई करने के लिए देती है हायर एजुकेशन के लिए देती है जैसे कोई स्टूडेंट एम फार्मा करना चाहते हैं तो उनको जीपेट क्वालीफाई करने पे 12400 ₹12400 हर महीना 2 साल के लिए मिलता है सर क्या हम एम फॉर्म नहीं करेंगे तो ये स्कॉलरशिप मिलेगी ये स्टाइपन नहीं आ, ये स्टाइपन एम फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं मिलता बेटा सर कई बच्चों को तो स्कॉलरशिप भी मिलती है हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप कास्ट बेसिस पे होती है ओबीसी एससी एसटी को स्कॉलरशिप मिलती है लेकिन जीपेट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट्स किसी भी कास्ट के हों उनको सभी को स्टाइपन मिलता है ये स्टाइपन हमारे आ, स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाई करने के लिए हमेशा हेल्पफुल होता है ठीक है सेकेंड चीज हम जैसा कि मैंने बताया था आ,

करीब करीब थर्टी थाउजेंड रुपीज अ मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है स्टाइपेंड मिलता है जिससे वो अपनी रिसर्च गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कंप्लीट कर सकते हैं अपनी पीएचडी कर सकते हैं ये एम फार्म वाले स्टूडेंट्स जीपेट क्यों दे उसका आंसर है हालांकि जीआरएफ एसआरएफ जीपैट पे ही नहीं मिलती और भी कई सारी एग्जाम्स होती हैं लेकिन फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए जीपैट एक बहुत अच्छी एग्जाम है कौन कौन से इंस्टीट्यूट है दो मिनट से उनकी लिस्ट बताता हूँ आपके लिए यहाँ चलते हैं हम लोग कि जो स्टूडेंट बी फॉर्म फाइनल ईयर में जीपैट देते हैं उन्हें कहाँ कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है ये लिस्ट हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे फार्मेसी में एम फार्मा किया जाता है बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस होते हैं और इन सभी इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट जीपेट के बेसिस पे एडमिशन मिलता है इनकी अलग से कोई एग्जाम नहीं होती कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी अलग से एग्जाम करवाती हैं लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी अगर कोई स्टूडेंट जीपेट क्वालिफाइड है तो उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है वो डायरेक्टली हमारे जो इंटरव्यूज होते हैं उसके अंदर अपियर होते हैं तो जीपेट एग्जामिनेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ये कुछ मेजर लिस्ट मैंने यहाँ पे लिख दी है इसके अलावा कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी जीपेट के बेसिस पे अपना एडमिशन करवाते हैं ठीक है आगे चल रहे हैं एम फॉर्म क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पे जी आर एफ एस आर एफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ हमने बता दिया है सर फॉर्म कैसे भरना है कौन सी वेबसाइट्स होती हैं उसके लिए आ, हम लोग पहले डेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एन अपनी एग्जाम लेता है एन ने अपनी वेबसाइट पे ये एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है इस नोटिफिकेशन में हमें बहुत सारी डेट्स पता चलती हैं हाँ जी जीपैड 2021 के फॉर्म्स आ चुके हैं 23 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक ये फॉर्म भरे जाने हैं 23 जनवरी को अगर लास्ट डेट है हमारे फी सबमिशन की फीस कितनी है अभी दो मिनट नीचे लिखा हुआ है उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि आ, सर अगर कोई गलती से हमारे नाम की स्पेलिंग में गलती हो जाए छोटी मोटी करेक्शन करने हो तो 25 से लेकर 30 तारीख तक वो करेक्शन किए जा सकते हैं एग्जामिनेशन 22 या 27 को होगी ये ऑल ओवर इंडिया में एन टी ए ने दो प्रोबेबल डेट्स दे रखी हैं जो डेट्स नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करेगी मोस्ट प्रोबेबली 22 तारीख को ही जी होगा 27 भी हो सकती है एन टी ए डिसाइड करेगा ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है इसका टोटल ड्यूरेशन 180 मिनट्स का होता है इसमें कुल 125 क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन कम है समय ज्यादा है टाइमिंग अगेन और लिखा हुआ है या तो ये 9 से 12 के स्लॉट में होगी या 3 से लेकर 6 बजे के स्लॉट में होगी एनटीए डिसाइड करेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसमें पेपर पेन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को वहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा सर इसमें मार्किंग, इसमें मार्किंग मार्किंग जी होती है एक करेक्ट आंसर के चार नंबर मिलते हैं अगर आंसर गलत हो गया तो उसमें माइनस वन हो, होते चले जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पे इस तरीके से होता है सिलेबस किस तरीके से होता है सिलेबस ए की ए ने जो जीपेट का सिलेबस रखा है जो फार्मेसी का सिलेबस रखा है वही सिलेबस हमारा इसके अंदर एप्लीकेबल होता है एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ, क्योंकि पीसीआई ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिमिलर सिलेबस रखा हुआ है तो इसीलिए सिमिलर पीसीआई सिलेबस ही यहाँ पे यूज में आता है थोड़े बहुत एक दो चैप्टर ही इधर उधर होते हैं बाकी सारा के सारा सिलेबस पीसीआई वाला ही यहाँ पे यूज में आता है सर फीस कितनी लगेगी हाँ जी अनिजर्व कैंडिडेट अगर मेल है तो दो लगेगी अदरवाइज फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो वन लगेंगे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर ओबीसी एससीएसटी या किसी रिजर्व कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं तो वन थाउजेंड लगेंगे ट्रांसजेंडर के लिए भी इस बार इन्होंने वन थाउजेंड रुपीज फीस दी हुई है ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं हाँ जी हम हमारे पोर्टल पे भी इन लिंक्स को पेस्ट कर देंगे ताकि आप लोग डायरेक्ट इसको क्लिक करके आ, यूज कर सकें सर अप्लाई कैसे करना है सेकेंड वीडियो में इसके एप्लीकेशन के जो वेबसाइट होगी उसको कैसे ऑपरेट करना है वो मैं बताऊंगा अभी के लिए ये वीडियो यहाँ फिनिश करते हैं have a nice day from VNS group of institution